हाय दोस्तों, नमस्कार। राम, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक राज में। दोस्तों, आज हम फिर से एक नए लोकेशन पे हैं, बहुत ही हॉन्टेड जगह है। यहाँ पे जो बताने वाले हैं बताते हैं, जो क्योंकि ये जो हमें बताने वाले यहाँ के हैं जो बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि हम जब यहाँ पे आए थे तो कुछ गांव वालों से भी मिले हैं, तो हमें उन्होंने जो बताया यहाँ पे, और आज हम जगह बताते थे उड़ीसा के, ये उड़ीसा के बन गांव, नितेश बन गांव ना, बन गांव में ये जगह है जहाँ पे आज हम और कैमरे के साथ नितेश, जो हम जब यहाँ पे आए हैं तो कुछ बुजुर्ग हैं यहाँ के, काफ़ी बुजुर्ग हैं जो बताते हैं, उनसे हमसे बात हुई तो उन्होंने जो बताया है कि ये जगह खूनी नाला है, उस पर बहुत पहले की बात है एक पुलिया का निर्माण हो रहा था, लेकिन अचानक वहाँ ऐसी दुर्घटना होती है कि दो मजदूर की मौत हो जाती है, बाद में पुलिया रोक दिया जाता है। लेकिन इससे पहले जब पुलिया निर्माण हो रहा था तो उससे पहले भी वहाँ पे कुछ ऐसी आत्माओं का जो है एक्टिविटी थी, जो पुलिया वो जो दुर्घटना हुआ था बताते हैं लोग, उसी आत्मा का काम था। लेकिन उसके बाद से उस जगह पे, बहुत ही हॉन्टेड जगह है वहाँ पे, तब से बहुत से तांत्रिक, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेत और तंत्र मंत्र विद्या को साधना करते हैं, वो लोग उस जगह पे आते हैं और अपनी सारी क्रियाएं करते हैं। आज हम लोग भी उसी जगह पे चलने वाले हैं जहाँ पे वो हॉन्टेड जगह है, पुलिया है जहाँ पे दो लोग की मौतें हो चुकी थी। हम लोग वहाँ पर चल रहे थे, अभी हम लोग बस उस नाले के पास पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ही हॉन्टेड जगह है, यहाँ पे रात में कोई नहीं आता है, कुछ कुत्ते भौंकने की आवाज़ें भी आ रही हैं। किसी किसी की बात करने की आवाज आ रही है, रिकॉर्ड हो रही है कुछ। पास में ही गांव है ना, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे अभी नए हैं, इस जगह के विषय में हम लोग की भी कोई जानकारी भी नहीं थी, लेकिन एक हमारे भाई हैं जिन्होंने हमें बुलाए हैं यहाँ पे, और हम लोग एक दिन दो दिन पूरा सफ़र करने के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या है आगे? वही नाला है क्या? लग तो रहा है, लग तो वैसे ही रहा है।
यही नाला तो है। क्या है यार यहाँ देखो, इधर क्या है, क्या इधर कैप्चर करो, वाइट वाइट क्या दिख रहा है पता नहीं क्या है ये। इधर चलने के लिए हम लोग अभी इधर रास्ता है, रास्ता तो लग रहा है, कोई रास्ता बना हुआ है। आग भी जल रही है यहाँ पर, कोई है क्या यहाँ पर? वो पुलिया यहीं पे है क्या? हाँ लग तो रहा है, कोई बैठा है वहाँ पर, कोई बैठा है शायद, कब्जे हो रहा है। हाँ हल्का हल्का आ रहा है, पुलिया यही है ना? हाँ कम करो देश, हाँ तो लाइट लाइट थोड़ा मारो हल्का सा, थोड़ा लाइट जलाओ, बहुत हल्का बहुत हल्का, इस साइड से अभी हम अंदर चलते हैं, थोड़ा पास चलो, थोड़ा जलाओ हल्का, आवाज भी कह रहा है कुछ, बचा के बचा के झुमको झुमको, क्या कोई औरत है क्या? कुछ औरत ही लग रही, आवाज से लेकिन नहीं लग रही। क्या हाथ में क्या लिया है? नहीं क्या लिया है, हड्डी है क्या शायद? हाँ शायद लग तो रहा है, लाइट लाइट देख लेगा यार लाइट से। और आगे करो झुमको करो, कौन हो? पीछे देख लिए, देख लिए, क्यों आए हो यहाँ पर? कोई नहीं थे, जल्दी से यार, इन आवाज तो नहीं लग रही। कोई किन्नर है क्या? हो सकता है, हाँ लग तो रहा है, फिर से कच्चे करो अभी करो, देख लिया है वो, देखो पहले देखो क्या कर रहा है अभी, लाइट हुआ हल्का हल्का आ रहा है, जिम करो यार, किन्नर है यार, किन्नर है, कोई अपने तंत्र साधना कर रही है, देखो हड्डी है क्या उसके हाथ में? हाँ कुछ तो, किसी की हड्डी तो है यार, ये वही हॉन्टेड पुलिया है। कुछ बातें करे इससे, कुछ बातें करो कर,
कौन है यहाँ पे? देख रहा है, देख रहा है। उठ गया, उठ गया, उठ गया भाई, उठ गया। कौन हो? दिस क्यों आए हो यहाँ पर? दिस क्या चाहते हो? गुस्सा हो रहा है। यहाँ से होगा शायद, इधर से होगा थोड़ा लाल लाल लाइट बंद कर दिया। बहुत हल्का हल्का आ रहा है, बस काम करो, छोड़ो जान दो, यहाँ से निकल चलो, क्योंकि कोई किन्नर जैसा लग रहा था यार। लेकिन किन्नर विसाधना, तंत्र विद्याओं को जागृत करना, एक किन्नर ये थोड़ा कम ही समझ में आ रहा है। जो कुछ भी होगा रितेश, यहाँ समझ चलते हैं, क्योंकि किसी भी तांत्रिक को या किसी भी ऐसी जो विद्याओं को जागृत करता हो, कोई भी तरह की हम लोगों को दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि सभी तांत्रिक एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। कुछ सामाजिक अच्छे कार्य करने के लिए भी अपने तंत्र मंत्र विद्या को जागृत करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जी अपने उस तंत्र को दुरुपयोग करते हैं। लेकिन इस समय हम लोगों को उसके पास जाना कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये किन्नर वो भी तंत्र या कुछ भी साधना कर रहे हैं, वहाँ पे विघ्न डालना ये गलत होगा। देश छोड़ दे, जाने दो, चले यहाँ से, फिर चले एक बार, गुस्सा हो जाएगा थोड़ा यार, कैप्चर करो ना, थोड़ा थोड़ा कैप्चर करो, कर क्या रहा है वो, मतलब एक किन्नर वो भी इतने हॉन्टेड जगह पे, इस जगह पे जहाँ पे दो मौतें भी हो चुकी हैं, इस जगह पे आना कम से इधर कहीं कुछ कैप्चर हो सकता है क्या? पता नहीं, हाँ पता नहीं, और देखिए हाँ दिख तो रहा है, दिख तो रहा है हल्का हल्का, फिर वो है क्या, क्या है? तो कोई लेडीज ही यार, देश कोई लेडीज ही यार, कुछ कर रही है वो, किन्नर ही यार, देख लो कोई ऐसा साधना कर रहा है, कुछ तो तंत्र को मतलब कुछ तंत्र मत उसे जागृत कर रहा है, जाने जिस्ट मत करो, जाने दो, चलो उसके पास से चलो, नहीं नहीं जाने दो, हाँ जाने दो, दिक्कत ये है देश कि अगर कोई और होता तो हम लोग वहाँ पे चलते भी, लेकिन ये किन्नर है,
उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा है। तो हम लोग चले बाहर चले, चलो चलो चलो, क्योंकि जिस जगह पे हम लोग आ जाए हैं ये जगह काफ़ी दूर है। हम लोग 2 दिन सफ़र पूरा लगा यहाँ पर आने के लिए। जो हमारे भाई हैं हमें बहुत बार बुलाए हैं, इसलिए हम लोग को यहाँ पर आना पड़ा है। लेकिन जो सिचुएशन है यहाँ का, हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये किन्नर है, वो अपनी तंत्र विद्या को यहाँ पे साधना कर रहा है। किसी भी ऐसी जगह पे जो विद्या कर रहा हो तो उसको विघ्न नहीं डालना है। चलो वीडियो कट कर दो।